नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल पटनागर में। और आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो अक्टूबर में सोच रहे हैं कुछ नए फ़ोन्स लेने की, और 5G फ़ोन अगर वो लेना चाहते हैं। बजट आज का जो है वो 20,000 का है, और कुछ ऐसे अपकमिंग फ़ोन्स हैं जो अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो सकते हैं। तो पहला जो फ़ोन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है शियोमी का रेडमी K30, जिसकी जो स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगी वो 17,000 के आसपास देखने को मिलेगी। अगर आपको याद हो तो K20 काफ़ी हिट रहा था, और अभी भी Redmi का जो K20 है वो बहुत बिकता है उसके प्रोसेसर के लिए। अगर इसके प्रोसेसर की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ओक्टा कोर 2.2 GHz का प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं स्नैपड्रैगन 730G और 6GB की वेरिएंट से ये स्टार्ट होगा, इसमें 4GB का वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर इसके हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 का आपको इसका डिस्प्ले मिलेगा और 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप की अगर हम बात करें तो 64+8+2+2 और का क्वाड प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया फाड़ू पिक्चरें आपको देता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो शायद रेडमी का ये पहला फ़ोन होगा जिसमें आपको सेल्फी में डेप्थ सेंसिंग मिलेगी, यानी कि आपको 20 MP के साथ 2 MP का एक्स्ट्रा कैमरा मिलेगा जो आपके बुके इफेक्ट को या कहूँ आपके डेप्थ ऑफ फील्ड को यहाँ पर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ये फ़ोन होने वाला है अगर आप एक फ़ोन लेना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग रेट लेना चाह रहे हैं 18,000 के आसपास, तो इस फोन को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी बैटरी की अगर हम बात करें तो 4500 mAh की बैटरी आपको मिलेगी जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आपको आएगी। अगर हम दूसरे आगे बढ़ें और दूसरे कुछ फोन्स के बारे में यहाँ पर बात करें तो Realme का 6s भी यहाँ पर लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन उसके प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो 2.5 GHz का इसका प्रोसेसर होगा और MediaTek Helio G90T इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये 4GB रैम में आएगा, 6.5 इंचेस की इसकी स्क्रीन होगी, 405 PPI IPS LCD, साथ साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। वहीं कैमरा सेटअप की अगर हम बात करें तो 48+8+2+2 और 16MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा। कीमत की अगर बात करूं तो अगेन 17,000 के आसपास आपको ये कीमत इसकी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें चार्जिंग की तो आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिलेगा और 43mAh की बैटरी, मतलब 4300mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, और इसी तरह मेरे साथ ऐसी जानकारियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आईडी आपके सामने भी आ रही है। वहीं अगर हम आगे बात करें मोटोरोला की तो मोटोरोला का भी एक फ़ोन मोटोरोला वन फ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है। अगेन स्नैपड्रैगन 710 आपको देखने को मिलेगा, ऑक्टा कोर 2.2 GHz का आपको यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप की अगर हम बात करें तो 48+8+5+2 का आपको मिलेगा कैमरा सेटअप। वहीं पर अगर हम सेल्फी कैमरे की यहाँ बात करें तो यार मोटोरोला थोड़ा सा यहाँ पर कंजूसी दिखा रहा है और यहाँ पर आपको 8 MP का कैमरा वो दे रहा है। वहीं लेकिन बैटरी बैकअप यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 5000mAh की जो बैटरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं ये भी अक्टूबर के आसपास आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। वहीं वीवो पे चलते हैं, अगर आप वीवो के लवर हैं तो वीवो Y51S यहाँ पर आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी यहाँ पर, लगभग 20,000 के आसपास इसकी कीमत जाएगी। कैमरा सेटअप की बात करें, पहली बात यह है कि ये 5G फ़ोन होगा, 48MP+2MP+2MP का ट्रिपल सेटअप मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कैमरे से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अगर आप कैमरे के 4 सेटअप लेना चाहते हैं तो जो प्रीवियस मैंने फ़ोन्स बताए आपको उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन जो 5G फ़ोन्स हैं उनके अंदर ट्रिपल का कैमरा ही आपको देखने को मिल रहा है। 4500mAh की बैटरी आपको इसमें जो है वो मिलेगी, साथ साथ 6GB रैम के साथ आएगा और सैमसंग एक्सनॉक्स 8 ऑक्टा आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऑक्टा कोर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ब्लो रेट पे रहेगा, 2.0 GHz में आपको देखने को मिलेगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए हैं उनको आप जरूर देखिएगा।
अगर आप ओनर खरीदना चाहते हैं, ओनर के अगर आपके पास आप कुछ नया हटके ट्राई करना चाहते हैं, तो ओनर का फोन आ रहा है ओनर 30 लाइट के नाम से, और इसमें आपको ऑक्टा कोर का 2.0 GHz मिलेगा। वही मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 आपको यहां पर प्रोसेसर की रेंज देखने को मिलेगी। 90 Hz का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा और 48+8+2 का ट्रिपल कैमरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा और 16 MP का आपको यहां पर फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा। बैटरी की अगर बात करूं तो USB Type-C पोर्ट आपको यहां पर मिल रही है और 4000 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिल रही है। वहीं अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि कौन सा कैमरा कौन सा फ़ोन जो है आने वाले दिनों में मिलेगा, तो ऑनर का 9X लाइट भी यहां पर लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम कैमरा सेटअप की यहां पर बात करें तो 48+2 का ड्यूल मिलेगा आपको। ये 5G फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है। 3750 mAh की बैटरी आपको मिलेगी। ऑक्टा कोर 2.2 GHz का यहाँ पर हाई सिलिकॉन क्रीन का यहाँ पर आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.5 mAh की यहाँ पर 6.5 की आपको स्क्रीन मिलेगी। वो mAh कहने की आदत सी हो गई है। तो ये कुछ फ़ोन्स हैं, इसके साथ साथ ओनर का 20S भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं लॉन्च की बात करूँ तो थोड़ा सा लॉन्च अगर मैं देखूँ तो रियलमी का V5 भी आपको मिल सकता है। 29 अक्टूबर 2020 इसकी लॉन्च डेट जो है बताई जा रही है। वहीं इनफ्लिक्स का नोट 7 लाइट भी आप इस लेंस में देख सकते हैं जो कि आपको 19 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं जो शियोमी का रेडमी K30 प्रो है वो आपको जो मिलेगा वो 32,000 के आसपास मिलेगा और उसकी लॉन्च सितंबर में ही हो जाएगी। और रेडमी का जो K3 अल्ट्रा है वो आपको 27 नवंबर में मिलेगा आगे जाके। तो कुछ कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, जैसे रेडमी में खासतौर से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जैसे कि नोट 9 की सीरीज आई थी तो नोट 9 आया, नोट 9 प्रो आया, नोट 9 प्रो मैक्स आया। तो ये कुछ सीरीज इनकी होती हैं जिसमें कुछ कुछ चेंजेस ये लोग कर देते हैं कैमरे सेटअप में और उसके अकॉर्डिंग ये चलाते हैं। तो ये सारे फोन्स आपको अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। आपको लगी है कैसी ये वीडियो ज़रूर बताएगा कमेंट करके। आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा और वेट करूँगा कि आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं। लास्ट जो वीडियोज़ बनाए थे टीवी के ऊपर उसको बहुत अच्छा प्यार दिया आपने। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक बड़ा सा लाइक करें और कमेंट करें। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। कोशिश रहेगी कि आपको दो वीडियो दूं, एक YouTube की वीडियो दूं कि YouTube पे आपको कैसे ग्रो करना है और एक आपको टेक्नोलॉजी की वीडियो दूं। जय हिंद, जय भारत।